सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, निजी गवाही लेना जरूरी है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 के 4 के 5 में लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब ने जब अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को लेकर अपने गांव वापस जाना चाहा, तो उसने अपनी दोनों पत्नियों राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया। उसके लिए वहां से निकालना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप एक विश्वासी हैं और अपने जीवन में सब कुछ वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास सबूत और गवाही होनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो यह अविश्वासियों और दूसरे लोगों के लिए सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा शारीरिक सबूत जो यह साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। बाइबल कहती है कि याकूब का मामा उसको वहां से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके मामा ने कहा कि जितनी काली भेड़े हैं उनमें से जितनी धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वह तेरा वेतन होगा। ऐसा होना असंभव था। उसने 10 बार उसका वेतन बदला, पर क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ तो था, उसने दर्शन देखा कि धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। तब उसका मामा कहता था कि जब धारी वाले बच्चे पैदा होंगे तो वह तेरा वेतन होगा, और याकूब ने देखा कि धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। लिखा है कि इस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ बकरियां हो गईं कि वह उस देश में सबसे अमीर लोगों में एक बन गया। बाइबल कहती है कि जब उसके जाने का समय आया, तो उसने अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि अपने पिता के घर को छोड़कर उसके साथ चले। उसके पास और कोई प्रमाणित सबूत नहीं था, और यह बहुत मुश्किल काम था कि जब तक वह उस सबूत को अपने पत्नियों को न दिखाए, इसलिए वह अपनी पत्नियों को अपने भेड़ बकरियों के पास बुला कर लाया, ताकि समय आ चुका है कि हम अपने घर में वापस चलें। इसका मतलब, अगर किसी विश्वासी के जीवन में सबूत की कमी है, तो उसके अंदर ताकत की कमी होगी कि वह अपने परिवार, लोगों, अपने नगर और मोहल्ले को विश्वास दिला सके। इसलिए आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है, पवित्रता का स्तर ऊंचा रखना है, लगातार बाइबल पढ़नी है, ताकि परमेश्वर आपको सबूत दे सके और आपको आशीषित कर सके। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मैं अब प्रार्थना, बाइबल पढ़ने, उपवास में बढ़ सकूँ, ताकि मैं अपनी निजी गवाही को ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। God bless you, all of you. Praise the Lord.